अखिलेश यादव ने इत्र व्यापारियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बीजेपी का ही आदमी बता दिया। सपा मुखिया ने कहा कि खीज उतारने के लिए बाद में पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई। हम समाजवादियों ने किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ छापा पड़ा है। हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि वो समाजवादी इत्र बनाने वाला है। और आज जब उनके स्टेटमेंट सुन रहे हैं, वो जो अपनी बात को जो नहीं सच साबित कर पाए, वो हम लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था कि समाजवादी इत्र इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और हम तो उनसे कहते हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब आपका पहला वाला छापा मारने वाला आपका ही आदमी निकला। जिसके यहां छापा पड़ा पहले उन्हीं का आदमी निकला। अपनी खीज मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने दोबारा छापा मारा, बताओ। और ये जितना भी पैसा निकला है वो समाजवादियों का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही होगा पैसा जो वहां पर निकला है। और सबसे बड़ा सवाल है, बताओ, नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई।